पत्नी ने कच्चे धागा से बांधा पति के जीवन का डोर, मनाया गया वट सावित्री का महापर्व। कच्चे सूत को वट वृक्ष पर लपेटकर हर फेरे में पति की लंबी आयु और उनका जन्म जन्म का साथ निभाने को लेकर गुरुवार को सुहागिनों ने वट सावित्री व्रत पर वट वृक्ष के पास पहुंचकर पूजा अर्चना की। महिलाओं ने निर्जला उपवास कर इस सुहाग पर्व को महाउत्सव के साथ मनाया। दुल्हन की तरह 16 श्रृंगार कर बरगद के पेड़ के नीचे महिलाओं ने विधि विधान के साथ इस व्रत को पूरा किया। पूजा के बाद सुहागिनों ने सत्यवन और सावित्री की कथा भी सुनी। शहर से लेकर गांव के मंदिर परिसर में अवस्थित वट वृक्ष के नीचे सुबह से ही सुहागिनों की भीड़ लगी रही। पूजा के बाद सुहागिनों ने वट वृक्ष के 7, 11, 21 परिक्रमा कर वट सावित्री की पूजा संपन्न की। नवब्याहता में ज्यादा उत्साह दिखा। प्रखंड क्षेत्र के गौरा, महेंद्रपुर, महाराजपुर, बेलौड़ी, भोगा, भटगामा, मझुआ, चांदी, रांजीगंज, दीवानगंज, गोगुलाबबाग, हुस्कीबाग सहित जिले के भी प्रमुख स्थानों के मंदिर परिसर में वट वृक्ष के पास नवब्याहता उत्सव के साथ पूजा अर्चना किया। प्रमुख रूप से सुहाग पर्व के रूप में मनाए जाने वाले वट सावित्री व्रत को लेकर नवब्याहतों में खास उत्साह देखा गया। 16 श्रृंगार के साथ नई साड़ी, गहनों से सजी सवड़ी, सुहागिनों ने पूरे विधि विधान से वट वृक्ष की पूजा की। कच्चे सूत को लेकर परिक्रमा कर सुहागिनों ने कच्चा चना, पकवान, मौसमी फल सहित सुहाग का पिटारा भी चढ़ाया। नवब्याहता के पहले व्रत को लेकर ससुराल में काफ़ी उत्साह था, क्योंकि नवब्याहता अपने मायके में ही अपनी माँ, चाची, मामी को यह व्रत करते देखा था और आज उसने यह व्रत भी रखा। वट वृक्ष में भगवान का साक्षात वास भी देखा जा रहा है। वट वृक्ष में भगवान का वास, मान्यता है कि वट वृक्ष के नीचे ही सावित्री ने यमराज से अपने पति को वापस जीवित करने का वरदान मांगा था। पंडितों ने बताया कि वट वृक्ष की जड़ों में भगवान ब्रह्मा, तने में विष्णु और पत्ते में शिव का वास होने की वजह से तीनों देवों के प्रतीक स्वरूप वट वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है। सुबह से लगी है पूरी भीड़ वट वृक्ष की पूजा करने। सुबह से ही सुहागिनों की भीड़ लगी रही। शहर के प्रखंड परिसर, पुरनदेवी, गुलाबबाग मंदिर, कालीघाट, बेलौड़ी, महेंद्रपुर सहित अन्य कई मंदिरों में सुहागिनों की भीड़ देखने को भरपूर मिल रही। और किस लिए क्या लटकेंगे? अच्छा, आवाज कम, जोर से बोलिए, जोर से, जोर से बोलिए थोड़ा सा। पति की लंबी आयु के लिए हम लोग हर साल ये बात किया। क्या नाम हुआ? ज्योति। दीर्घायु के लिए किया जाता है और इस पर्व को करने से मन को शांति भी होता है। इस पर्व में खासियत क्या है? खासियत इस पर्व में हम लोग दिन भर भूखे रहते हैं, शाम को व्रत को तोड़ के फलहारी करते हैं। क्या नाम है? वट सावित्री, जो सावित्री के लिए वो क्या नाम है? मेरा नाम प्रियंका हुआ। आज जो वट सावित्री पूजा हो रही है उसका क्या महत्व है? पति के लिए पंची करता है, उन होना ही करता है, जो व्रत है करना पड़ता है, तो अपना धर्म थोड़ा छोड़ेगा। तो आज व्रत में आप लोग क्या क्या उपयोग किए? उपयोग क्या करेंगे, फास्टिंग में है, पूजा पाठ तो करना ही है। क्या नाम है? आज जो ये पूजा हो रही है इसका महत्व क्या है? इसका बहुत महत्व, हिंदू धर्म में इसका बहुत महत्व। हर औरत अपने पति के लिए, सुहाग के लिए अपना करती है, अपने दीर्घायु के पति के दीर्घायु के लिए करती है। इसमें और क्या मतलब महिला को? महिला सब अपना फल फूल प्रसाद लेके आता है, प्रसादी में अपना वट के जड़ के नीचे में अपना पूजा करता है, फिर परिक्रमा करता है, यही सब करता है। और क्या ये किस दिन मनाया जाता है इसका कुछ? इसका जेठ मास के कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है।
अमावस्या तिथि कहा जाता है कि हिंदू धर्म महिलाओं के लिए सबसे बड़ा पर्व आज का ये पर्व माना जाता है। सही बात, बहुत बड़ा। क्या नाम है? बट सावित्री। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम छोड़ा नहीं था, हमारा नाम बट। क्या महत्व है और कितनी आज होती है? आज जेठ मास की अमावस्या है। जेठ मास की अमावस्या को ही बट सावित्री की पूजा नारी के लिए बहुत ही मायने रखता है। पातिव्रत धर्म की उन्नति के लिए, पति की लंबी आयु के लिए, धन के लिए, निरोगता के लिए और पुत्र कामना के लिए, यह नारी के लिए सर्वोत्तम व्रत है। संसार में प्राणों से यह रीति हजारों वर्ष से चलते आ रहा है। इसको सनातन धर्म अपने आचरण के तरह लेकर के शरीर में धारण करके धर्म की महत्ता को एक संपूर्णता की जीवन को दर्शाता है। यह जीवन दर्शन संसार की जितने भी नारी हैं, माँ हैं, सब पूजनीय है, सबको सौभाग्य की प्राप्ति, धन की कामना, एक जीवन अच्छे तरीके से जीने का एक कला है। और यह व्रत जेठ मास की अमावस्या से एक दिन पहले अनोना व्रत कहा जाता है। इसको नहाय खाए उस दिन व्रतधारी को सोचेल स्नान करके बिना नमक का भोजन ग्रहण करके एक सात्विक रूप से रहने का विधान है। और अमावस्या के दिन सुबह में उठ के वट वृक्ष के पास अपना जितना भी शक्ति के अनुसार फल फूल धूप दीप निवेश कलश और बांस का बीनी का वंश का होता है, इसलिए बांस के बीनी को उसमें जोड़ा गया है कि वंश की वृद्धि होता है। इससे पूजा किया जाता है। पूजने के बाद जल से वृक्ष को सिंचित किया जाता है। जैसे जैसे वृक्ष की वृद्धि होती है उस वृक्ष के अनुकंपा से उसकी सर्वमनोकामना की पूर्ति होता है। सर्वोचित है, ये सर्वमान्य है, इसी को लेके हम लोग आगे चलते हैं। यह सनातन धर्म का जल। क्या नाम हुआ? मेरा नाम संजय कुमार।